नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। मैं विवेक चौहान केदारनाथ रुद्राक्ष की ओर से आज आपको छह मुखी रुद्राक्ष के दर्शन कराने लाया हूँ। और ये देखिए, फिर थोड़े बड़े साइज के कलेक्टर साइज के पीस आए हैं हमारे पास। ये देखिए, ये मैंने कुछ रखा बीड मैंने आपके, ये देखिए 7.5 mm, ये देखिए ये भी 7.5 mm का बीड है, 6.95, 6.75 mm, 7 के आसपास ही है। तो काफ़ी बीड हमारे पास देखिए, तो सारे छः मुखी हैं ये। तो इसका मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ, ये देखिए 27 mm का बीड है ये। अट्ठाईस एम एम का बीड देखिए, बहुत ही अच्छा कलेक्टर साइज़ है ये देखिए। बहुत ही कम होते हैं इस तरह के जो 28 mm के बीड दिखते हैं। सत्ताईस पॉइंट एक, 24 का, 25, 26। तो ये काफ़ी आए थे हमारे पास आज ये छः मुखी के पीस। तो छः मुखी जो होता है रुद्राक्ष, ये शुक्र के लिए होता है। तो आज फ्राइडे है तो शुक्र का दिन है आज, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये छः मुखी का जो रुद्राक्ष है, जो नवा लोट है, आपको दिखाता है एक बार में। तो सारे के सारे ये मिक्स लोट है ऐसे, जहाँ जहाँ सर ऐसे 25, 26, 27 इसके लगभग सारे के सारे बीड्स हैं। और सबका तकरीबन वेट भी 7 ग्राम के आसपास का वेट है जो है इसमें। और ये 250-300 दाने हैं टोटल बड़े बड़े। तो शुक्रदेव के लिए ये होता है कि ये मतलब शुक्रदेव के लिए या तो चलता है 6 मुखी या चलता है 13 मुखी। तो इससे जो बड़ा दाना होता है, जो जिसका ज़्यादा प्रभाव रहता है, वो रहता है 13 मुखी। पर 13 मुखी काफ़ी महंगा होता है, कॉस्टली होता है। तो मेरी सलाह ये होती है लोगों को कि पहले आप 6 मुखी से स्टार्ट करें। पर 6 मुखी का अगर कलेक्टर बीड से स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे कलेक्टर अगर बीड, दो कलेक्टर बीड भी कोई धारण कर ले तो 13 मुखी के आसपास का उसको फायदा होना स्टार्ट हो जाता है। बाकी शुक्रदेव के लिए जो जेमस्टोन चलते हैं हमारे, उपरत्न और उपरत्न, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। शुक्रदेव के लिए चलता है वैसे डायमंड, डायमंड सबसे बेस्ट रहता है। पर डायमंड महंगा होता तो उसको कोई ले नहीं पाता, तो इसलिए फिर उसके उपरत्न डायमंड का उसका मैं बता देता हूँ आपको। तो उसका उपरत्न होता है मोजोनाइट, और उसके फिर उसके नीचे जो होता है रतन, वो होता है जरकन। वो फिर आम मिल जाता है, सस्ता होता है जरकन। तो पर ये है कि डायमंड और जरकन के बीच का जो होता है वो होता है मोजोनाइट। उसका रेट भी मतलब ज़्यादा महंगा नहीं होता पॉकेट के हिसाब से, मतलब कोई भी मतलब मिडिल क्लास फैमिली का उस रतन को धारण कर सकता है। एक रतन और होता है शुक्र के लिए, वो होता है ओपल। ओपल भी 2-3 प्रकार के होते हैं, एक इथोपियन ओपल होता है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपल होता है, एक सिंपल अपना ओपल होता है। फायर तीनों के अंदर ही होती है। अगर तीनों को हम लाइट के सामने, फ़ोन के लाइट के सामने या कोई भी बल्ब की लाइट के सामने आप ऐसे देखेंगे तो उसके अंदर से जैसे सूरज जलता है ना, वैसा दिखेगा आपको। फ़र्क क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपल है जैसे, ये मैंने डाला हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपल, देखिए दिखाना देखा, ये देखिए मैंने ये डाला हुआ है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपल है। तो इसकी शाइनिंग देखिए आप, ये बल्कि डबल फायर ओपल है। ये मैं अपनी रिंग उतार देता हूँ,
यहाँ से भी देखो ये काफ़ी शाइन कर रहा है, और ये नीचे से भी काफ़ी शाइनिंग है इसकी, ये देखिए। तो ये जो मैंने रिंग डाली हुई ये है डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपर, पर ये भारी भी है, भारी भी है, तकरीबन 13.5 कैरेट का ये है पीस। तो ये मैंने थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दी है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपल भी दो प्रकार का आता है, एक आता है सिंगल फायर, एक आता है डबल फायर, तो दोनों के अलग अलग रेट होते हैं। फिर इथोपियन ओपल होता है, उसमें भी सिंगल फायर आते हैं, उसमें भी डबल फायर आते हैं। एक सिंपल ओपल चलता है जिसमें फायरिंग तो होती नहीं बाहर, पर वाइट रंग का ही होता है, पर मेन जो उसके अंदर जो सूरज की जो आग होती है वो तीनों में दिखती है। तो कहने की बात ये कि तीनों की वैरायटी अलग अलग है, पर रेट भी अलग अलग है, पर जो उनकी वर्किंग है वो सेम ही है। चाहे आप सिंपल ओपल डाल लो, चाहे इथोपियन ओपल डाल लो, चाहे डाल लो ऑस्ट्रेलियन ओपल, काम उनका एक ही होएगा। तो अपने अपनी जेब के हिसाब से हर इंसान यूज़ कर सकता है। बाकी मैंने जो शुक्रदेव के लिए जो बीज मंत्र होता है वो होता है ओम शिव शुक्राय नमः, तो इसका बीज मंत्र भी कर सकते हैं आप, ओम शिव शुक्राय नमः। कम से कम 108 बार शुक्रवार को सवेरे सवेरे ये बीज मंत्र करें आप, तो शुक्र देवता की काफ़ी अच्छी कृपा होती है। बाकी ये रुद्राक्ष हैं जो 6 मुखी रुद्राक्ष हैं, इसको तो ज़रूर धारण करना चाहिए। कोई भी बिजनेसमैन है, कोई बंदा कोई काम कर रहा है, कोई कोई भी हो, जो छोटे से बड़ा काम भी कर रहा है, छोटा छोटा काम भी कर रहा है, 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र के लिए मतलब इनकमिंग स्टार्ट हो जाती है कि हर किसी इंसान की। कुछ ना कुछ काम में इंसान का मन भी लगता है, और उस जब वो इंसान का मन लगता है तो उस मन से बंदा अच्छा काम करता है, अच्छा काम करता है तो धन की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है तो सुख की प्राप्ति होती है। तो उसी सुख के लिए इंसान मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहा है हर तरह का इंसान। तो ये काफ़ी मतलब भोलेनाथ का एक तरह से होता है, इसको कहा जाता है। तो मैं मतलब ये कि रुद्राक्ष का जो भी मतलब कोई भी जिसको रुद्राक्ष से काफ़ी प्रेम है तो ज़रूर 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें, बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा आपको। तो ये आज मैंने वीडियो बनाई थी आज 6 मुखी रुद्राक्ष के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।